दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.16। क्या कह रहा है क्वेश्चन? केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। What is the net charge inside the box? और दूसरा है, if the net outward flux through the surface of box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भाई हमको दिया क्या है? तो हमको दिया है फाइव नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ बॉक्स दिया हुआ है। इसको हम लिखेंगे फाइव से, ठीक है। इसको किससे लिखेंगे? फाइव से दिखाएंगे। फाइव कितना दिया है? 8.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इतना दिया है। अब फाइव का फॉर्मूला क्या होता है? फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलोन नॉट होता है। अब ये क्यू क्या होता है? तो क्यू होता है चार्ज, एंड इप्सिलोन नॉट क्या होता है? तो वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू कितनी होती है? तो वो होती है 8.854 × 10⁻¹² पर न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ये इसके वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, अब हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू फाइव इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। फाइव कितना होता है? 8.0 × 10³, और इप्सिलॉन की नॉट की वैल्यू कितनी है? 8.854 × 10⁻¹². अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 7.08 × 10⁻¹⁸ कितनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम सही तरीके से अगर लिखें तो ये क्या आ जाएगा? 0.07 × 10⁻¹⁶। इसका यूनिट क्या आएगा? कूलम। और हमको पता है बच्चों 10⁻¹ को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं, और इसको दिखाते हैं न्यू से। तो ये कितना आएगा? 0.07 माइक्रो कूलम इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला आंसर, राइट। अब हमको क्या करना है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेर जीरो, यानी जो सरफेस जो है बॉक्स का, उससे अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जीरो हो रहा है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्ज इनसाइड द बॉडी? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? तो बी का आंसर आता है नो। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हम मान सकते हैं कि भाई उसके बॉक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसके कारण जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।